खलिस्तानींना बेकायदेशीर शस्त्रे पुरवणाऱ्या एका सिकलीकरला मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर येथील शिकारपुरा पोलिसांनी खरगोन जिल्ह्यातील भगवानपुरा येथून अटक केली आहे. जिल्हा न्यायालयातून एक दिवसाची रिमांड घेतल्यानंतर पोलीस आरोपीकडून चौकशी करत आहेत. कुछ इनपुट हमारे पास आए थे जिसके अंदर ये जानकारी मिली थी कि खलिस्तान मूवमेंट से जो है वो एक सिकलीघर कनेक्टेड है और लगातार वहाँ पे कट्टे सप्लाई कर रहा है. तो इसी इनपुट के आधार पे पुलिस के द्वारा जो है वो एक ट्रैप रचा गया था जिसमें 21 पिस्टल्स जो देसी कट्टे होते हैं वो पकड़ाए गए थे जनवरी के माह में. और जो सिकलीघर थे उन्होंने दो आदिवासियों को सामने रख के ये कट्टे सप्लाई करने जा रहे थे. तो उसमें वो दोनों आदिवासियों को और पिस्टल तो हमने बरामद कर ली थी. दोनों सिकलीघरों के नाम कंफर्म होते ही उसमें से एक सिकलीघर जो था जिसका नाम निहंग उर्फ नरेंद्र सिकलीघर है उसको पुलिस ने 8-10 दिन में ही राउंड अप कर लिया था. और अभी जो इनका एक मास्टरमाइंड था आसन सिंह सिकलीघर इसको 31 जुलाई को अभी अभी पकड़ा है. उसकी पीआर लेके अभी उससे पूछताछ चल रही है. जल्द ही जो भी जानकारी हमारे पास आएगी सबूत इकट्ठा करके उसके ऊपर उचित कार्यवाही. संपर्क में था वो कौन था इसके अंदर? खलिस्तानी मूवमेंट के संपर्क में जो है वो आसन सिंह सिकलीघर जो है वो उसके संपर्क में था. बुरहानपूरचे SP राहुल कुमार लोढा यांनी माहिती दिली की केंद्रीय इंटेलिजन्स एजन्सीकडून माहिती मिळाल्यानंतर जानेवारी महिन्यात 2 तरुणांना 21 अवैध शस्त्रांसह पकडण्यात आलं होतं. चौकशीत सिकलीघर निहाल उर्फ नरेंद्र आणि आसन सिंग या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी यापूर्वी निहालला अटक केली होती. मात्र दुसरा आरोपी मास्टरमाइंड आसन सिंग गोपाल सिंग फरार होता. मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांनी आरोपी आसन सिंग याला खरगोन जिल्ह्यातील भगवानपुरा येथून अटक केली. खलिस्तानी चळवळीतील व्यक्ती मिळाल्यावर पोलीस रिमांड घेऊन पुढील चौकशी करत आहेत. शकील अहमद, धारणी.